सायापुर में पिछले संविदा कर्मचारियों ने काम काज ठप करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने और ईपीएफ न मिलने से बिजली संविदा कर्मचारी नाराज हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो चक्का जाम कर देंगे। बिजली विभाग के 754 संविदा कर्मचारियों ने जिले भर का काम काज ठप कर दिया है, जिसके बाद अब सभी संविदा कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय के ठीक सामने धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के खिलाफ नारेबाजी की और वेतन दिए जाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से कार्यदायी संस्था उनका वेतन नहीं दे रही है और ना ही ईपीएफ दे रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो जिले भर में चक्का जाम कर देंगे। आज हमारे जो बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, इनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है और 10 माह का इनका ईपीएफ नहीं जमा किया है। इस संबंध में हम लोग यहाँ सर्किल में बैठे हुए हैं कार बहिष्कार पे। मैं अपना परिचय भी दे दूं, मैं अशोक कुमार पाल, मध्यांचल महामंत्री, विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। 2 दिन हो गए लेकिन अब मांग पूरी नहीं होती, तो फिर आप क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? यदि हमारे संविदा कर्मचारियों की मांग के ऊपर विभाग गंभीर नहीं हुआ तो हमारा कार्यक्रम आने वाले टाइम में, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम अहिंसावादी हमारा संगठन है तो हम कोई भी हिंसात्मक कदम उठाना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरीके का वातावरण, जो क्योंकि पीछे अभी 4 दिन कार बहिष्कार चला था तो हमारे ज़िले के आला अफसर जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान में लिया, जिसके कारण एडीएम महोदय ने वार्ता के माध्यम से हमारी लोगों की वार्ता कराई अपने कार्यालय में, और उस वार्ता में ये तय हुआ था कि 11 फरवरी तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों का 3 माह का वेतन और 10 माह का ईपीएफ उनके खाते में आ जाएगा, जो कि नहीं आया। इससे हमारा सभी संविदा कर्मचारी काफ़ी आक्रोश में है और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति है हमारे संविदा कर्मचारी की वर्तमान में कि उनके परिवार में अगर किसी बच्चे को बीमारी हो गई है या कोई बच्चा सर्दी निमोनिया से परेशान है तो इलाज तक के उसके पास पैसे नहीं, खाने के लिए राशन नहीं रहा। क्या रणनीति आगे है? आगे रणनीति यही होगी कि जब तक हमारा वेतन और ईपीएफ हमारे खाते में नहीं आ जाता, हम सभी लोग शाहजहाँपुर की 5 डिवीज़न के एक एक संविदा कर्मचारी इसी प्रांगण में आकर कार बहिष्कार करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है, जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात को संज्ञान में लिया है और उन्होंने हमारी समस्या को गंभीरता से लेकर इसकी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम रोड जाम करने के लिए भी बाध्य होंगे।